बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम रहीम असलकुम डेयर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम सर मोहम्मद अदील जावेद यू आर साइंस टीचर सेकंड यूनिट सब्जेक्ट साइंस क्लास टू डेयर स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग अ साइंस वीडियो ऑफ क्लास टू व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ शाह ग्रामर वर्चुअल अकेडमी प्यारे बच्चों इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये क्लास टू से रिलेटेड सब्जेक्ट साइंस की वीडियो है जो कि शाह ग्रामर हाई स्कूल वर्चुअल एकेडमी से रिलेटेड वीडियो है ओके नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो लेसन नंबर वन हेल्थ एंड सेफ्टी डियर स्टूडेंट यू आर ऑलरेडी एक्सप्लेन द चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी प्यारे बच्चों आपको चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है और आज की जो आपकी ये वीडियो है वो है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट असाइनमेंट आपको जो है आज की वीडियो में एक्सप्लेन uh, किया जा रहा है और असाइनमेंट में आपका वर्किंग मटेरियल जो है जो चैप्टर से रिलेटेड आपका वर्किंग मटेरियल है वो है आपका फिलिंदा ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स कॉन्सेप्ट चेक एंड पेज नंबर टेन एंड थर्टीन फिलिंदा ब्लैंक्स आपको एक्सप्लेन की जा रही है असाइनमेंट में ट्रू फॉल्स कॉन्सेप्ट चेक है आपका ये है आपका बुक पेज नंबर टेन और थर्टीन ये आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है फिलिंदा ब्लैंक्स खाली जगह पुर करें फिलिंदा ब्लैंक्स जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं ये आपने आपके पास असाइनमेंट मौजूद होना चाहिए और उस असाइनमेंट में समझने के बाद आपने इनको फिल करना है और इन केस अगर आपके पास असाइनमेंट शीट नहीं है तो ये आप जो है क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट अपनी फेयर कॉपी में इनको आप जो है समझने के बाद इनको कॉपी कर, कर सकते हैं क्वेश्चन uh, uh, जो है आपका है फिलिंदा ब्लैंक इसकी फर्स्ट ब्लैंक है यूर बॉडी इज लाइक एन अमेजिंग डैश यूर बॉडी इज लाइक एन अमेजिंग डैश आपका जिसम जो है एक हैरत अंगेज मशीन की तरह से है आपका जिसम एक हैरत अंगेज मशीन की तरह से है नंबर टू डू नॉट ईट टू मच जंक फूड डू नॉट ईट टू मच जंक फूड बहुत ज्यादा ये जो आपकी जो है मुरगन गजाएं होती हैं ऑयली यानी जिनमें ऑयल होता है जैसे फास्ट फूड वगैरह आपकी होती हैं तो ऐसी गजाएं बहुत ज्यादा हमें नहीं खानी चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा फैट्स और कैलोरीज वगैरह होती हैं ये गजाएं हमारे जिसम के लिए नुकसानदेह होती हैं डू नॉट ईट टू मच जंक फूड नंबर थ्री इलेक्ट्रिक डैश कैन हार्म यू इलेक्ट्रिक डैश कैन हार्म यू इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू इलेक्ट्रिक करंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है बिजली जो होती है जो आपका करंट होता है ये जो है हमारे लिए अगर बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है हमारी लाइफ को इसने बहुत ज्यादा यानी जो है आराम दे कर रखा है इस बिजली ने लेकिन यही करंट अल्लाह न करे आपको अगर छू जाता है जिसम में तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है लोगों की हलाकतें भी हो जाती हैं करंट लगने से। नंबर टीस डैश और नेवर टीस डैश और वरीडैम डैश को कभी भी नहीं सताइए और उन्हें तंग नहीं करें सही है उन्हें सताए नहीं और तंग नहीं करें किनको नहीं हमें सताना चाहिए एनिमल्स को जानवरों को कभी नहीं सताए उन्हें तंग नहीं करें नंबर फाइव स्टे अवेयर डैश वायर्ड्स स्टे अवे फ्रॉम बेयर डैश वायर्ड्स डैश की नंगी तारों से दूर रहें कौन सी नंगी तारों से दूर रहें बिजली की बिजली की अगर कोई नंगी तार है जैसे आप उसका ऐसे ऊपर का जो आपका जो प्लास्टिक कोडिंग जो होती है अगर वो फर्स्ट कर ले नहीं है और उसके अंदर का जो कॉपर जो होता है या मेटल जो होता है वो अगर बेयर है नंगा आपको नजर आ रहा है और उसमें से करंट गुजर रहा है तो वो करंट आपको लग भी सकता है तो हमें जो है हमेशा बिजली की नंगी तारों से दूर रहना चाहिए स्टे अवे फ्रॉम बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टू असाइनमेंट इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे सही गलत वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनी थिंग वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनी थिंग कोई भी चीज खाने से पहले अपने हाथों को धोएं। दिस इज आर ट्रू स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है नंबर टू योर बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क यूर बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क आपकी बॉडी को काम करने के लिए ईंधन चाहिए होता है फ्यूल का मतलब होता है जैसे आपका पेट्रोल हो गया डीजल हो गया तो ये आप ये चीजें जो होती हैं ये आपको पता है ये फ्यूल ये आपकी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं ये फ्यूल उनको चाहिए होता है हमारे जिसम को काम करने के लिए फूड की जरूरत होती है गजा की जरूरत होती है और ये गजा हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है तो ये आपकी क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है नंबर थ्री ड्रिंक टू टू फोर ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर इन अ डे ड्रिंक टू टू फोर ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर इन अ डे हमें एक दिन में दो से चार गिलास जो है हमें जो है साफ पानी के पीने चाहिए ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है कम से कम हमें छह से आठ गिलास जो है एक दिन में साफ पानी के पीने चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट नंबर फोर डू नॉट प्ले नीयर वाटर और स्विम अलोन डू नॉट प्ले नीयर वाटर और स्विम अलोन कभी भी पानी के करीब अकेले नहीं खेलें पानी के करीब नहीं खेलें और अकेले स्विमिंग नहीं करें सही है जो आप स्विमिंग पूल में या दरिया में या फिर सी साइड में जो आप स्विमिंग करते हैं पानी में जो आप तैरते हैं नहाते हैं तो ये कभी भी जो है अकेले ऐसी जगहों पे हमें नहीं जाना चाहिए बच्चों को अपने बड़ों के साथ ऐसी जगह पे जाना चाहिए डू नॉट प्ले नियर वाटर पानी के करीब नहीं खेलें और स्विम अलोन और कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं करें दिस इज आ ट्रू स्टेटमेंट नंबर फाइव उट इन टू समय नेवर शाउट इंटू समर कभी भी किसी के कानों में चीखें नहीं कभी भी किसी के कानों में चीखें नहीं ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है तो आप आखिर में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रू सही ओके नाउ लेट सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर टेन ये आ, आ, आपके पास अगर असाइनमेंट शीट है तो उसमें तो ये आपका जो है एक्सरसाइज मौजूद है लेकिन अगर इनके असाइनमेंट आपका नहीं है तो ये आपको एक्सरसाइज बुक का पेज नंबर आपका टेन है ये एक्सरसाइज आपने बुक में ही सॉल्व करनी है फिल इन द मिसिंग वर्ड्स मिसिंग वर्ड्स जो है अभी आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें जो मिसिंग वर्ड है वो फिल करने हैं आपने फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड है जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला एल्फाबेट आपको दिया हुआ है यह अब आपका पैराग्राफ शो हो रहा है टू स्टे अफ एंड हेल्दी यूर बॉडी नीड प्लेटी ऑफ फ्रेश एयर टू स्टे अ लाइफ एंड हेल्थी जिंदा रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए आपकी जिसम को बहुत ज्यादा मेदार में ताजा हवा की जरूरत होती है एयर फिल करेंगे आप। आपकी बुक में ए लिखा हुआ होगा ब्लैंक वाली जगह पे आपने इसको पूरा कंप्लीट कर देना है एयर सही है ताजा हवा की हमें जरूरत होती है क्लीन वॉटर साफ पानी की वाटर का W आपका जो है ब्लैंक में शो हो रहा होगा इसको आप कंप्लीट स्पेलिंग करेंगे वर्ड की वाटर साफ पानी की जरूरत होती है एंड हेल्थी फ्रूट्स और जो है सेहतमंद फलों की सही है ऐसे यानी तरोताज़ा फल जिससे आपकी सेहत बने आपको मतलब जो है आ, फायदा आपके जिसम को पहुंचे तो यहाँ पे फ्रूट्स में आ, एफ आपका दिया हुआ है कंप्लीट स्पेलिंग करेंगे वर्ड की फ्रूट्स फल योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट एंड एक्सरसाइज आपके जिसम को आराम और वर्जिश की भी जरूरत है यहाँ पे आर है आपका तो रेस्ट कंप्लीट करेंगे वर्ड और एक्सरसाइज में ई है आपका तो आप जो है पूरा वर्ड कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज आपको जो है आराम और वर्जिश की भी जरूरत है तो ये तो था आपका जो है कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर टेन पे ये एक्सरसाइज है आपकी ये एक्सरसाइज आपने समझ ली होगी और इसको जो है बुक में आपने सॉल्व भी कर लिया होगा कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर थर्टीन एक और कॉन्सेप्ट चेक है आपका ये पेज नंबर थर्टीन पर है आपके बुक के और अगर असाइनमेंट मौजूद है तो डायरेक्ट आपने असाइनमेंट में इसको सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑलवेज और नेवर सो that द रूल्स आर क्लियर आपको जो है कुछ रूल्स आपको दिए गए हैं कुछ कवानी बताए गए हैं इनको जो है आपने ऑलवेज या नेवर लगा के इनको क्लियर करना है वाजे करना है ताकि रूल्स आपके समझ में आ जाए इनमें यानी आपने क्या लगाना है शुरू में ऑलवेज या फिर नेवर ऑलवेज का मतलब हमेशा और नेवर का मतलब कभी नहीं ये आपने फील करना है नंबर वन डैश लुक डायरेक्टली एट द सन सूरज की तरफ डायरेक्ट कभी नहीं तो क्या आना चाहिए यहां पे शुरू में नेवर नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन नंबर टू डैश रन विथ सीजर्स डैश रन विथ सीजर्स कभी भी कैची जो आपकी होती हैं उनके साथ जो है कभी भी आप जो है भाग दौड़ नहीं करें ये सीजर्स जो होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं भाग दौड़ करने में आपके जिसम को यानी हाथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो क्या आएगा कभी नहीं नेवर नंबर थ्री ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग हमेशा सही है ऑलवेज का मतलब हमेशा हमेशा जो है खाने से पहले हाथों को धोएं ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा ऑलवेज वॉश योर अलोन कभी भी अकेले तैराकी नहीं करें कभी भी अकेले नहीं हैं तो so, कभी नहीं आएगा स्टूडेंट इसी के साथ ही आज की वीडियो में जो, आ, जो है जो असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन किया गया है ये कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज के जो असाइनमेंट में एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन की गई है आपको समझ में आई होंगी और इनको आपने अपने असाइनमेंट शीट में या अपनी कॉपी में आपने इनको जो है उतार भी लिया होगा अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज